अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के साथ में शुरुआत थोड़ी 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 लेट हो रही है, 6:30 बजे हो रही है, क्योंकि मेरे बच्चे लोग तो गए घूमने के लिए। देखो फोन भी आ गया इसके ऊपर। तो बच्चे लोग तो गए घूमने के लिए, तो लोग तो माशाल्लाह ब्लॉग डाल ही रहे, तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना के डालती हूँ, थोड़ा वो लोग डालेंगे, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ब्लॉग बनाया, बच्चे नहीं तो दिल भी नहीं लग रहा है। तो अभी इधर मैं बैठी हूँ, तो परी के केक आए थे, तो फ्रिज में थोड़ी जगह नहीं हो रही थी, तो केक निकाली, थोड़ा मम्मी के यहाँ भेजी, अभी सुल्तान आया था तो लेके गया। अभी बाकी केक रखी इधर, इधर मिठाई विठाई सब रखी थी, यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था, तो सब इधर उधर करे बैठ के। इधर नूरी मेरे सामने बैठी है। हाय नूरी। हाय गाइस। अपने बात करने से लोगों को बहुत तकलीफ है। हाँ ना, इधर तुम लोग पंचायत करते बोले। हमारे सैदा पे बोलेगी हाय गाइस, आई एम सन्नी, आई एम सन्नी। सैदा पा नहीं बोलेगी, शमीम बोलेगी आई एम सन्नी। तो अभी देखते हैं शाम में कहा जाते गए। शमीम मेरे को बोले थे तैयार हो ना, अपन का भी जाएंगे। तो बोले चलो अपन बाहर किधर जाएंगे, बच्चे नहीं है। तो मैंने बोले बच्चे नहीं है तो बच्चे थोड़ी अपने को पकड़ते थे मत जाओ करके। अपनी जिंदगी बच्चे है भी तो वैसी है, नहीं है भी तो वैसी, कोई अपने को रोक टोक नहीं है जिंदगी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मतलब बच्चे घर में रहते तो टाइम पास हो जाता है। हाँ तो वैसे हिसाब से बोले। हाँ मेरे को कल बोलते है, मेरे को कल बहुत चिल्लाई, बोलते चलो कि फाइव स्टार होटल में आके एक दिन रुकते। मैं बोले मेरा घर कोई फाइव स्टार से कम है क्या, बोलना भी नहीं, मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोली तो मेरा घर 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार जो भी समझो वो है मेरा घर भाई। मैं मतलब हर चीज में तुमको खुश करने का सोचते हैं। तो फिर बात तो मैं बोली तुमने ऐसा बोले कि बाद में थोड़ा तुम सोच के बोली तुम 5 स्टार होटल में बोलते मेरा घर क्या कम है क्या। अरे पागल, मैं इसके लिए नहीं बोला कि बोले सैटरडे छुट्टी है, जैसा कि सैटरडे नाइट छुट्टी है, जैसा संडे है पूरा दिन ऐसा जाते थे अपन लोग को अच्छा ऐसा ऐसा। तो नहीं भाई मेरे को नहीं जाने का, मेरा घर भला मैं भली। तो फिर इसी वही बातें हो रही थी। फिर अभी तुम्हारे साथ हम लोग तीनों भले है ना। हाँ फिर आपको बहुत छुट्टी मिल रही ना आजकल, तो इसलिए मैंने को छुट्टी देने का नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, है ना। अभी अजमेर भी जाएगा तो फिर छुट्टी रहेगी, फिर जाएगी फिर छुट्टी, है ना। तो लेके चलो हम लोगों भी साथ में, लेके जाऊंगी प्रॉमिस के, तीनों को एक साथ में लेके जाऊंगी, एक को नहीं लेके जाऊंगी, एक को ले तो एक का दिल दुखेगा। तीनों मेरे लिए बराबर है, बराबर है, है ना। तो तीनों को मैं साथ में लेके जाऊंगी। तो अब मैं ये बोल रही थी, आप लोग सोचे रहे अरे यार मरियम शेख ने कुछ बोले, तो मैं क्या देखो अभी बोलना भी थोड़ा छोड़ भी दी हूँ, और क्या हाथी चलता है ना तो ऐसे कितने चलते रहते पीछे भी, मैं ये सोचती हूँ। और मैं हाथी हूँ और मैं सोचती हूँ अरे यार मैं इतनी फेमस हूँ, इतना लोग मेरे ऊपर रखते है नजर, मेरे घर का दस्तकान से लेके मेरी नूरी के ऊपर, मेरी सैदा अपा के ऊपर, शमीम के ऊपर, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे कपड़े वाले के ऊपर, हाँ और क्या मैं बोलूँ, हाँ मेरे घर पे जो रहने वाले मेरे रिश्तेदार लोग आते, मेरे भाई लोग आते, मेरी माँ लोग आते, जैसे मेरे भाई के बच्चे आते उसके ऊपर। फिर हम लोग ना इनके आईडी को फॉलो नहीं करते, देखते नहीं है, तो फिर क्या करते चोरी करके देखते, तो मेरी वो आदत नहीं है। बोलते नहीं ये हमको फॉलो करती है और आईडी से देखते रहते इसके रियल आईडी से। ओके 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 मैं रियल हूँ, इसलिए मैं रियल आईडी से ही देखती हूँ, फेक नहीं हूँ। तो फेक आईडी से देखो ना, तो रियल लोग क्या करते हैं रियल चीज से ही देखते हैं। तो माँ सबको पता है मरियम शेख क्या है, रियल है। और आप लोग बोलते भी हो ना क्या आप अपनी देखने आती है, नए नए लोग दिखने को आई जाते करके। तो इसीलिए हमारी आईडी आप फॉलो नहीं करते हो, देखते नहीं हो, मगर हमारे घर की पंचायत खबर पूरी रखते हो। अगर हम आईडी फॉलो करते तो आपको देखते, तो बोलते हम देखे देखे सपना नहीं आया था, है ना। और क्या बताते मोहरम में अभी नहीं कर भाई, मोहरम तो हमारा भी माशाल्लाह आपसे ज्यादा मोहरम से हर चीज को मानते हैं, ये तो हमारा भी है। और मोहरम ने 12 महीने सभी चीजें थी 12 महीनों को मानते, पहले अदुआ बदुआ सबके बच्चों को बुरा बोल देने का, फिर बोले का हम तो कहाँ गाली देते थे इनसे सीखे। अरे तुम्हारा स्कार्फ किधर है? अरे अल्लाह स्कार्फ नहीं, स्कार्फ पहनने में ना बुरी बुरी बातें नहीं करती, जब इसका पहन दी अच्छी बातें करती, कोई कितना भी रख तलवार भी रख देगा तो फिर इसका पहन के मैं बुरी बुरी बातें नहीं करती हूँ, है ना।
अब ओनी ओड़ू नहीं ओड़ू मेरी मर्जी, ओनी ओड़ू नहीं ओड़ू मेरी मर्जी, मेरा घर वाला है अल्लाह, मेरे को देखने वाला है, मेरे अमल देखने वाला है, कितना दिखा रही हूँ कितना बिका रही हूँ सब मुझे देखने का है। लोगों को इतनी पंचायत करने, तुम अपने अपने अमल के साथ जियो ना यार अच्छे से एकदम से। अल्लाह मेरे भी अमल जो है वो भी आपके नाम कर दे परवरदिगार, है ना। और मेरे को ना एक बात का बहुत हर्ट लगा, क्या किसी के जात धर्म को गाली नहीं देना चाहिए, झगड़ा मेरा तुम्हारा राइट जो भी है, मगर बेचारे वो दलित लोग को बुरा बुरा बोलना, और मैंने वो अल्फाज नहीं बोलूंगी जो सामने ने बोला, मुझे बहुत हर्ट लगा, इसीलिए फिर मैंने ज्यादा कुछ मैसेज में डाली भी नहीं कि ऐसा अलोन लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये जात के वो जात के, जो भी अल्लाह ने बनाया सबको और सबका एक ही खून है, हम लोग इंडिया हिंदुस्तान में रहते हैं ना तो हम लोग सब एक है, तो उसको ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए दलित लोग का ऐसा। मेरे कितने लोग फ्रेंड है दोस्त है मेरे घर पे आते जाते, मेरे हस्बैंड के भी दो इतने इतने प्यार वाले रहते ना दलित लोग, क्या पूछो मत करके, किसी को दिल देंगे ना तो एकदम मतलब फैमिली के जैसे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है, तो उन लोग के नाम पे भी गालियां उनको दिए जा रही थी कल, बाप रे बाप, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा ये। और एक बात ये, मेरा देखो आपने कितना भी झगड़ा देखा रहेगा किसी के साथ, मैंने कभी मेरी इंस्टा की फैमिली हो या टिकटॉक की फैमिली हो या यूट्यूब की फैमिली हो, मैंने कभी उनको बुरा नहीं बोला, क्या तुम लोग क्या 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 बोल रही थी कल, मैंने कभी ऐसा बुरा भी नहीं बोला आप लोग को। और बीच में भी वो बोले बोलने लगी कि ऐसा वैसा उल्टा सीधा इंस्टा वाले, फिर इंस्टा वालों को क्यों दिखाने का जब इंस्टा वाले इतने बुरे है सब, हमारे को तो हमेशा इंस्टा वाले ने सपोर्ट किया है प्यार किया और यहाँ तक सराहा है, तो इंस्टा वाले टिकटॉक वाले और यूट्यूब वाले ने सराहा है, हम अपने आप से हमारे घर के चार लोग ने नहीं हमको ऐसा बटन दबा के या लाइक करके आगे बढ़ाए, ये हमारी फैमिली ने कहा। हम उनको बुरा भी बोलते हो फिर उनको बोलते हैं कि आप लोग हमको ऐसा भी करना वैसा भी करना, तो बुरा मत बोलो प्लीज़, हमारी तो फैमिली है और उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो हमको बुरा लगता है वैसा। मुझे कितना इतना बुरा लगा ना कल, क्या मुझे बोलती क्या ना तुम्हारी शक्ल मतलब दलितों के बारे में बता रही थी, क्या वो लोग के जैसे कुछ उसके अब उसमें बोलते हैं ना अलग भाषा में वैसी, तो क्या उनकी शक्ल इतनी बुरी है, इतने अच्छे रहते वो लोग बेचारे, इतने नाक नक्शा अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो क्या उनकी शक्ल इतनी बुरी है, क्या उनपे उनमें उनके साथ में ऐसा मुझे बोली, तो उनके जैसे, अरे मैं उनके जैसी हूँ, वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, हाँ उसमें मैं क्या बहुत हटके कोई पर वाली हो रही, मुझे पर लगे ले, अल्लाह ने उनको भी जैसा बनाया मुझे भी वैसा बनाया, तो ऐसा किसी की जात कोम पे नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरी बात। और मैंने एक बार टिकटॉक के टाइम पे मेरे मुंह से निकल गया था अचानक में, मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे जैसा इंस्टाग्राम की टिकटॉक की सब चीजों की, और इतना तो मैंने तो सॉरी भी बोला था इसके ऊपर टिकटॉक के टाइम पे, क्या मैं इतने गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने मेरे बहुत ज्यादा उस टाइम मतलब बहुत ही अजीब ही गुस्से में थी, तो मैंने एक बार बोल दिया था, तो मुझे ऐसा मतलब मालूम पड़ा, तो मैंने सॉरी भी बोली कि नहीं ऐसा किसी के इसमें नहीं बोलना चाहिए, तो ये बहुत बुरी बात है। मगर अभी मैं क्या बोलूँ आप लोग को, और चलो अभी मुहर्रम भी चालू हो गया, तो आप सबका भी अभी अपना 10 दिन के बाद तो नया साल चालू ही होता है, तो आप सबका मुहर्रम का महीना अच्छा जाए, मुहर्रम का महीना ये है ना 40 दिन का, कोई 40 दिन पालता कोई 10 दिन पालता है, तो अच्छा होए, और फिर उसके बाद अपना नया साल तो अभी लगता है, तो अल्लाह नया साल सबका अच्छा ही जाए परवरदिगार, और देखते। और अब पहले 10 रोज़े रखते थे मगर अभी तो मेरी तबीयत ख़राब रहती, तो नहीं इंशाल्लाह 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला, और इस वक्त मैं रोज़ा रख भी नहीं सकती हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है, समझ रहे हो ना तबीयत क्या ख़राब रहती है मंथ्स में, तो वही तबीयत ख़राब है, और उसके बावजूद क्या है हम लोग रखेंगे 9वीं और 10वीं का रोज़ा ना नूरी करती इंशाल्लाह। और मेरी तो टैबलेट इतनी है जो आप लोगों को रियल है वो तो पता ही है, छुपाती तो मैं कुछ हूँ नहीं कि सोशल मीडिया पे अलग छुपा रही हूँ रियल में अलग दिखा रही हूँ, वो तो अपने अंदर है ही नहीं, कोई कितना देखो कोई कितना भी मुझे बुरा बोलने दे, रियल हो तो रियल मेडिसिन खाती हूँ, बटन बटन क्या 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 बोली बोल जाना, मैंने बोला रियल हो तो रियल मेडिसिन खाती हूँ नेचुरल, बटन वटन नहीं खाते बोले जैसे लोग बोलते हैं, अब बटन से पूछना चाहिए कहाँ मिलता है सामने में सब नॉलेज ना बटन वटन करके, हाँ भाई अभी नहीं तो मैं तो समझी थे पहले बटन बटन मेरे कपड़े का बटन, मैं किसका खाई मेरे कपड़े का बटन, बटन तोड़ी बहुत लोगों के मगर खाई तो मैंने नहीं, फिर मैं नूरी से पूछी, बोले नूरी बोले अरे नहीं खाला ये कुछ बटन वटन पूछती हूँ, जिसने पूछी इसका भाई वकील है ना,
इससे पूछी तो बोला अरे बाबा ऐसा नहीं बोलते, बर्तन इसी चीज को बोलते। तो वो नूरी वही बोली अरे खाला तुम तो रियल दवा खाते हो, ये बर्तन वर्तन लोगों को ऐसा गलत फहमी है। और लोग मुझसे मिलते भी है बाहर, मैं मिलती हूँ ना लोगों से, बहुत लोग मुझे मिलते मुंबई में बाहर, जैसा अजमेर जाती हूँ, बहुत सी जगह पे मुझे लोग मिलते। तो आप लोगों में कितने नशे में दिखती ना, ऐसे गिरते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, बटन बटन ऐसा ऐसा करते रहती हूँ ना। आप लोग मेरे को संभालते दिखते ना, मरियम से आप बोलते मरियम से फोटो लिखा था लड़की, मैं बटन, मेरी आंखें इतनी नशीली तो मैं क्या करूँ। हाँ, हर वक्त ऐसी नशे में आंखें रहती तो मैं क्या कर सकती। कोई को रहता ऐसी नशीला ना, तो क्या घब्बर के शक्ल के रहते, दो सुराख खाली से दिखते रहते ऐसे, दो ऐसे ऊपर से तो मरेंगे तो नाक में कापूस लगाते ना सही दापा वैसे दिखते रहते कैसा दोनों नाक के में जाएंगे ना बराबर ये भी छोटे नहीं ये बराबर है। अभी मैं क्या करूँ, मेरी नाक बोलते भजिए की जैसे अज्जी की जो भी मेरे आदमी को इतनी पसंद है ना मेरी नाक, क्या मैं बता नहीं सकती कि नाक के ऊपर से तो फिसलते रहता है ऐसा 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 ऐसा। और सॉरी किसी ने मेरी नाक बराबर से नहीं देखा, मेरी दो है तो बोलते तीन टूचे लिए, तो ये गाली तो दूसरों को लगी जिसकी तीन टूचे लिए, मुझे नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी, जिसकी तीन तीन टूचे लिए उसको लगी। अभी आएंगे हेटर्स लोग। हाँ तो अभी क्या हुआ, नशे की बात तो क्या करूँ, मेरी आंखें है नशीली ऐसी, समीर पहला देखा था ना ऐसी सोचा था मैं बहुत नशे। नहीं अपने दस्तरखान का क्या बोल रहे थे? हाँ बोलते ना जम पे ना आया ने बड़ा छोटा। और लोग मुझसे मिलते भी है बाहर, मैं मिलती हूँ ना लोगों से, बहुत लोग मुझे मिलते मुंबई में बाहर, जैसा अजमेर जाती हूँ, बहुत सी जगह पे मुझे लोग मिलते। तो आप लोगों में कितने नशे में दिखती ना, ऐसे गिरते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, बटन बटन ऐसा ऐसा करते रहती हूँ ना। आप लोग मेरे को संभालते दिखते ना, मरियम से आप बोलते मरियम से फोटो लिखा था लड़की, मैं बटन, मेरी आंखें इतनी नशीली तो मैं क्या करूँ। हाँ, हर वक्त ऐसी नशे में आंखें रहती तो मैं क्या कर सकती। कोई को रहता ऐसी नशीला ना, तो क्या घब्बर के शक्ल के रहते, दो सुराख खाली से दिखते रहते ऐसे, दो ऐसे ऊपर से तो मरेंगे तो नाक में कापूस लगाते ना सही दापा वैसे दिखते रहते कैसा दोनों नाक के में जाएंगे ना बराबर ये भी छोटे नहीं ये बराबर है। अभी मैं क्या करूँ, मेरी नाक बोलते भजिए की जैसे अज्जी की जो भी मेरे आदमी को इतनी पसंद है ना मेरी नाक, क्या मैं बता नहीं सकती कि नाक के ऊपर से तो फिसलते रहता है ऐसा 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 ऐसा। और सॉरी किसी ने मेरी नाक बराबर से नहीं देखा, मेरी दो है तो बोलते तीन टूचे लिए, तो ये गाली तो दूसरों को लगी जिसकी तीन टूचे लिए, मुझे नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी, जिसकी तीन तीन टूचे लिए उसको लगी। अभी आएंगे हेटर्स लोग। हाँ तो अभी क्या हुआ, नशे की बात तो क्या करूँ, मेरी आंखें है नशीली ऐसी, समीर पहला देखा था ना ऐसी सोचा था मैं बहुत नशे। नहीं अपने दस्तरखान का क्या बोल रहे थे? हाँ बोलते ना जम पे ना आया ने बड़ा छोटा। अरे बापरे, ये मेरे सोशल मीडिया की और मेरे यूट्यूब फैमिली में बता रही आप लोग को, और नूरी तुम लोगों में मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं अभी इतनी पैसे वाली हो गई ना नूरी, इतना पैसा मेरे पास आया है ना, पहला मेरे पास पैसा नहीं था, पहला मेरे पास पैसा नहीं था। अभी मेरी काम वाली लोग बहुत दूर से आते, अच्छा। बहुत दूर से आते, और पहला ही आते ना इनको मैं पहला ही दस्तरखान पे बिठाती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ, अच्छा। और फिर उसके बाद फिर खाना खिलाती हूँ हाथ से। हाँ हाथ से खा, हाथ से, मैं बहुत पैसे वाली हो गई, अभी बहुत पैसा है मेरे पास, जिधर जिधर ऐसा छाड़ेंगे ना ऐसा 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 उधर से पैसा गिरता है। बहुत नई नई पैसे वाली हूँ मैं, बहुत नई नई पैसा, जब देखो मैं वीडियो पे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत, जब भी अभी आप देखेंगे ना आपको मरियम से कैसी दिखेगी, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं इसकी माँ कर सकती, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। और मेरी काम वाली लोग मैं दोपहर का खाना पूरा डाल के दे देती हूँ टिफिन के अंदर, मैं शाम का दोपहर का खाना शाम को नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत पैसे वाली हूँ। समीम अपन बहुत पैसे वाले, तुम्हारी शैतानी बहुत पैसे वाली है।
हाँ अभी मेरे बटन खा ली हूँ, बहुत पैसे वाली हूँ। दो चार बटन ला शमीम, डब्बे में उधर बटन है अपने, सुधाई का डब्बा उधर सफेद कलर के बटन है। अभी वो चार बटन खाऊंगी क्योंकि हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं, अपन किसकी भी माँ कर सकते हैं। अभी अपने पास इतना पैसा है, माँ कर सकते हैं नहीं, मेरे छोटे छोटे हाथों से मैं किसकी माँ कर सकती हूँ, छोटी छोटी उंगलियों से। अरे इतना बटन खाने का, अरे इतना बटन खाने का मुझे इतना ये बटन ना, अच्छा 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 खोल नूरी बटन दे नूरी, नूरी बटन दे नूरी, अपन बहुत पैसे वाली, मेरी मरियम से बहुत पैसे वाली है। ये देखो बटन, इसको बोलते बटन। अब चढ़ा बटन का नशा मैं हूँ, बटन अब दवा का भी नशा हटा, अभी तो बटन, अभी चार बटन खाया। ऐसा खाते ना बटन, ऐसा खाते बटन। मगर नूरी पैसा अपने पास बहुत है, अलहमदुलिल्लाह बहुत पैसे वाली हूँ नूरी, बहुत पैसे वाली हूँ मैं तो। मानो वो एक है ना, एक मानो मैं बहुत चढ़ेली है, वो एक आती है वो अपनी काम वाली लोग की इतना जुलम करती है, उनको खाना नहीं देती है। मानो सर दो दो तीन दिन काम वाली लोग बेचारे आके सिर्फ काम ही काम करते हाँ, हंडी की तरफ खड़े रहती है वो काम वाली। उसकी काम वाली का नाम है ना नूरी है, सईदा है, शबाना है, लोग के पास ही खड़ी रहती है एकदम कमर पे हाथ रखे, नूरी तूने क्या खाया, असली घी खाई, अच्छा अच्छा तूने बादाम, बादाम तो मेरे चर्चे बोलते, तूने बादाम खाई, अच्छा अच्छा अच्छा, सईदा पा तूने साबुन खाए, अच्छा सरफ पूरा पिए, अच्छा शमी तो कॉलिंग पीती है, ओ माय गॉड, जब तो मुझे कॉलिंग और ये सब लाना पड़ता है। मगर मैं पैसे वाली, बहुत पैसा है, किसकी भी माँ करूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं, बहुत बर्दाश्त करी मैंने, बहुत जब भी मैं गरीब थी, अब मैं बहुत पैसे वाली होगी, बहुत पैसे वाली। चलो अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा मुझे थोड़ा नशा बहुत हो रहा है, अभी मैं अपनी गर्म भी बहुत हो रहा है, बटन बहुत पावरफुल है। और कभी मैं इसमें कुछ मुझे हो गया ना तो इंस्टाग्राम की एक फैमिली मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है, इसके लिए 1% के लिए मैंने बंगी सब उतार डाली हूँ, कभी मुझे इसमें कुछ हो गया ना नूरी, मैं बचन आज ज्यादा खा ली हूँ। इसकी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो अभी हम लोग शाम के नाश्ते में बना रहे हैं डोसा, और मैं कैसे बनाती हूँ आप देख सकते हो। इसके लिए लगता है तवा, और जरूरी नहीं कि यही तवा चाहिए, मैं रोटी बनाने वाले तवे पर भी बना लेती हूँ। ये बिना ऑयल बिना बटर का है, डाइट डोसा है ना शमी। शमी डोसा कैसा बनाती? माशाल्लाह एक नंबर, बाकी सब डोसे ये डोसे के आगे फेल है। और कभी मेरा टूटता या बिखरता कुछ भी नहीं था। हाँ इतने के पहला डोसा थोड़ा थोड़ा वाइट बन जाता है, बाद इसके बाद तो एकदम परफेक्ट बनेगा। जिसको भी सीखना है तुमसे क्लास ले सकते हो। हाँ डोसे की क्लास। अब दूसरा डोसा शनी,
नाइस कलर एंड गोल्डन एंड नंबर इसको क्या बोलते डोसा नो ऑयल नो बटर यस और कोई हमारा तवा ना ब्रांड है ना कोई है ये हमारे घर का ही सादा तवा है और इसको हम लोग खाएंगे चाय के साथ तो अभी फाइनली मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करके जाऊंगी मैं दांत के डॉक्टर के पास में क्योंकि 2 महीने से जाना था दांत के डॉक्टर के पास मगर होता ही नहीं और डॉक्टर बाजू में ही है मना तो मैं बोली मैं जाऊंगी खाली ये थोड़ा जब टैप लगाई हूँ ना थोड़ा लगता है ढीला हो गया शायद तो उसके लिए जाती हूँ तब उसको फोन के समय को बोले आधे घंटे में आओ अपॉइंटमेंट लिए तो 1-2 बिल्डिंग छोड़ के ये एक तो इधर ही है बाजू में गेट के बाजू में 1-2 बिल्डिंग में जहाँ जाती हूँ उधर तो बेचारी नाश्ता कर तुमने नाश्ता कर लिया ना तो समीर ने डोसा क्या खाया तुमने नाश्ते में डोसा खाया तो समीर ने डोसा खाए तो मैं तो डोसा नहीं खा रही हूँ मैं खा रही हूँ ये चाय और मेरी बिस्किट चाय बिस्किट खा के फिर आप लोग से मिलती हूँ डॉक्टर के पास जाके और आज हम लोग बना रहे हैं क्या बना रहे हैं पॉपलेट फिश कड़ी हाँ सुनो चलेगा ना पॉपलेट फिश कड़ी इधर तो देखो वीडियो चालू है खाएगी दोनों तो खाने का आज जाने का था बाहर आज भी जाने का था कल भी जाने का था कल तो जाएंगे कल घर पे खाना खाएंगे फिर डेली बात करेंगे बाहर नहीं 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 जाएंगे कल संडे है ना तो फिर जाएंगे कल ओके मोहरम भी चालू तो देखते हैं अभी जैसे वैसे है ना खाना तो खाएगी ना चलो फाइनली हम लोग आ गए मेरे दांत के क्लिनिक में तो हमारे नाम देखो बिल बजाएंगे आज वो वेटिंग मतलब है 2-3 लोग जाके अंदर 1 मिनट अंदर हाय ठीक हो आप कैसे हो तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं मनी प्लान बड़ा प्यारा है इधर और इधर ग्लास भी लगा है देखो कितना प्यारा सा काफी टाइम के बाद आई है ना बहुत सुकून लगता है ये हॉस्पिटल में तो फाइनली ये भी बैठी हूँ मैं अभी सेकंड जाना है मुझे अंदर देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर कितना टाइम फिर मुंह बंद रखना पड़ेगा उसके बाद में फिर मिठाई की शॉप में जाएंगे क्योंकि मोहरम शायद सोमवार का फर्स्ट डे होगा ना कल की चांद रात होगी संडे का पूरी और समीर घर है और मैं जाने वाली हूँ फिर मूरी और समीर चली जाएगी घर में फिर खाली 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 पन लगेगा फिर मैं और समीर रहेगा ना मुझे ना थोड़ा वो लेने का था मेरा मनी प्लान थोड़ा खराब हो गया था तो सोची हीरा मनी से ले लूं मगर मैंने वो ही नहीं लेके आई मेरा कुंडी नहीं लेके आई हम तो वॉकिंग से आए हैं ना अभी नक्को नक्को अभी मुझे फिर जाओ फिर ऊपर से लेके आओ परसों वर्सू देखिए मंडे के दिन अभी तो हम गाड़ी नहीं लेके वॉकिंग करते करते बाजू में था चिकन वाले के पास गए बाजू में तो फाइनली जो मैं क्लिनिक में आती हूँ सर है मेरे डॉक्टर हाय सर तो मेरा थोड़ा सा क्या हो गया था मेरा दांतों में क्या हुआ था गैप बन गया था हाँ तो इनसे कैप में सब लगाती हूँ दांत में तो थोड़ा सा फीलिंग वो निकल गया था तो लगाए इनका देख सकते हैं हमारे क्लिनिक कितना क्लीन है पहला ये देख सकते हो और मैं इधर क्लीन और नीट और डॉक्टर इतने अच्छे जब भी इधर आती हूँ तो मैं जल्दी जाती हूँ किधर तो
आप लोग भी इधर विजिट कर सकते हो। पूरा सूट के साथ हाँ, और हर चीज बहुत अच्छी, हर चीज बहुत प्यारी और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और डॉक्टर के आपके क्लिनिक का नाम क्या है? डेंटल वेलनेस। हाँ, तो आप लोग इधर विजिट करो मरोल में, जो भी मरोल में विजयनगर में मिलिट्री रोड पे है, तो आप लोग तो मरियम शेख को जानते ही है, तो आप लोग इधर ही आना। और डॉक्टर का रिजल्ट इतना अच्छा है कि पूछो मत करके, एक टाइम आएंगे तो बार बार आएंगे। ओके चलो, डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला था वीडियो बनाने, मगर मैं हमेशा आती हूँ, तो मैं आज मैं थोड़ा ब्लॉगिंग डॉक्टर के यहाँ करूंगी करके। ओके थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। जो हमारे इधर की फेमस 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 मिठाई की दुकान है, रात्रि मैंने यहाँ से अपना भी मंगाई थी, तो मेरे बाजू वाले नेबर लोग याद गए, तो मैंने सदा भाई से मंगाई थी। और मेरे इधर बहुत से लोग आते भी ना, अचानक से कुछ बर्थडे जैसा तो यहाँ से ही केक लेके आ जाते हैं। तो लोगों नज़दीक सबको पता है बाजू में ही पड़ता है हमारा, जो काजू कतली वाला केक भी इनके पास में, रबड़ी वाला वो सब आता था, मगर अभी काजू कतली वाला केक भी हो गया है ना। खजू हर चीज़ें मतलब किसी गिफ्ट देने के लिए, मैं भी कहा जाती हूँ ज़्यादा करके यहाँ से लेके जाती हूँ, है ना। और जूस भी ये सब, अरे वो है कह रहे को छोटा वाला अभी धीरे धीरे ठंडा, अरे वो जो मैं पीती हूँ घर पे, इधर है कि लोग तो जाती पीऊँगी। और पानी दे तो मेरे पास इतने रखी ले, अगर ये भाई दे तो मैं इनको दे दूँगी, पीछे में इतनी दर्जन भर पड़ेगी। हर किस्म की चॉकलेट, हाँ रोटी सोडा हाँ लो, जरा देखते कैसा रहता। और जूस में भी हर एक वैरायटी है, मैं इधर क्यों आई पता है, अभी मुहर्रम चालू होने वाला है, तो मैं भाई को ये बोलने को आई हूँ, भाई को ये बोलने आई हूँ, मुहर्रम चालू होने वाले, तो भाई के तो मैं नाम कटाई के लिए आई हूँ कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मेरे नाम से कोई आएगा तो इतना नान कटाई दे दिया करो, तो उधर वास होगा तो उधर लेके जा करो दे दूँगा। मैं खास करके इसलिए आई हूँ, लेना तो मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही, अभी मेरे घर तो कोई है ही नहीं खाने वाला, आपको तो पता ही है, तो सभी ने कुछ बोटी तो उड़े उड़े ने भाई से पूछो कैसा खुलता है वो, हाँ देर मत बड़ा उसके ऊपर आ जाएगा, ये मेरे को पीला क्या कर रहे सभी तुम, मेरे को पीला जीरा वाला। अच्छा एक मिनट पकड़ो, मेरे तो कैमरा तो करने दो, छोटा ऐसा खोले पकड़ो जरा दिए, तो मेरे को तो इतना डर लग गया, मैं समझ का शर्ट नहीं खराब हुआ फुस करके, नहीं अच्छा है ना, मगर इसमें वो गैस बहुत अच्छा है, चलो मंगाऊंगी इसको, मेरा मतलब। तो चलो आप लोग से मिलती हूँ, भाई से बात कर लेती हूँ। और भाई लोग किधर गए सब लोग, कोई हज वो करने गए थे क्या, हज करने गए थे भाई? हाँ आयन बता रहा था, बोला अंकल ना मैं काफी टाइम से गाड़ी में से मंगा लेती हूँ ना, आई नहीं अंदर करके, तो वही आया, हाँ वो चाचा का ही बोला, वो तो वहाँ है ना, वो तो वो होटल पे बैठते हैं ना, वो तो कब से बहुत अभी से नहीं, एक डेढ़ साल से ऊपर हो गया ना, 2 साल से ऊपर हो गया, उन्हें क्या अपने हाईवे पे जो होटल बनी है आर बुराग। चलो मिलती हूँ आप लोग से। तो ये देखो मैं नान कटाई बोलने आई थी, तो सभी ने तो पैसा भी दे दिए, बुक करने आई थी तो सर उन्होंने पैसा भी दे दो, तो ये मेरे 11 दिन का सॉरी 9 दिन की नान कटाई का पैसा मैंने दे दी, तो दानिश आके लेके जाएगा, क्योंकि वास पवई में होता है, हम लोग तो यहाँ पता नहीं, यहाँ थोड़ा मस्जिद आती वास की आवाज़ हमारे किचन में, मगर यहाँ नहीं पता, तो हम पवई में ही देते थे, जहाँ हमारे गरीब नवाज मौलाना वहाँ पढ़ाई भी करते वास करते, मैंने भाई को पैसा भी दे दियो, 11 किलो रोज की कितना हुआ, चलो भाई ने अपने तरफ से डिस्काउंट भी दे दी, तो जीरा सोडा का इसका आया जीरा सोडा, अच्छा देखो जीरा सोडा भी भाई की तरफ से था मेरे को, थैंक यू। तो ना तो अभी यहाँ से अभी दानिश आके लेके जाएगा, रोज का 11 किलो मैंने बोली दे दिया, हाँ वो तो आप मेरा नाम बोल रहे पहचानते पहचानते ही, अरे समीर मेरा नाम बोलेगा तो बस हो गया, रहता कि उसका सब कुछ
तो अभी हम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला और दसवीं के दिन तो जो खिचड़ा बनेगा बनेगा ही। और फिर हम लोग अजमेर भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसा मैं शरबत बनाती हूँ इंशाल्लाह ताला जैसा जैसा जो जो होगा आप लोग को तो ब्लॉग में दिखते ही जाएगा, मगर अभी जो शुरुआत है वो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ना। सुनो तो चलो फिर मिलते। लोग खाली मोहरम में बोलते जा रहे और अपना काम करते जा रहे, गलती के वैसा नहीं करना चाहिए, मोहरम के आड़ में काम नहीं करना चाहिए। ओके चलो। तो ये भाई के वहाँ से हम लोग चिकन लेते, फ़ोन भी करके तो भेज देते हैं, तो अभी ना देसी चिकन बोले ना प्योर ला के देंगे, तो देखती हूँ अभी फ़ोन पे मंगाऊंगी, तो जब आएगा चिकन तो आप लोग को भी मैं बताऊंगी कि इधर देसी चिकन के पास प्योर मिलती है ना, क्योंकि एक डुप्लीकेट मिलती है तो कलर वाली और एक नंबर रियल मिलती। चलो फिर हम लोग अभी निकल रहे जैसे क्या, और अभी इसके बाद ब्लॉग बहुत कम बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे लोग भी वहाँ बना रहे, भी ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं ब्लॉग का बहुत ध्यान रख के बना रही हूँ। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के मुझे आयान की याद आ रही है, सारे बच्चे जा रहे तो हाँ मेरे बच्चे लोग देखो, हाँ मेरे बच्चे लोग, बच्चे लोग हाथ मरियम आंटी। और आज हम लोग वॉकिंग हम लोग वॉकिंग भी जा रहे हैं, और माशाल्लाह देखो सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग बोलते हमको जानता कौन है, अरे बच्चे बच्चे बड़े बड़े लोग सलाम करते जाते, हालांकि मैं बाहर निकलती भी नहीं इधर, कभी कभी आप लोग देखते रहेंगे मैं वॉकिंग करती हूँ, तो क्या बोलने का कुछ लोगों को, क्योंकि सफाई दिखाने का है ना। तो चलो चलो मिलते हैं बाद में घर। तो देखो हम लोग अभी इधर आए थे कि हमारे एकदम बिल्डिंग के बाजू में सामने ही है शॉप दुकान पे और बहुत प्यारा सा, मेरे एक मिनट रख दो उसका फोन, और बहुत प्यारा शॉप है ये, और ये बोलते रहे बगल में बच्चा गांव में घूम रहा, ऐसा हो गया उस दिन हमको लेना था आया हमको जाने के लिए टी शर्ट और यहाँ और एकदम जस्ट वॉकिंग पे ही है, तो यहाँ छोड़े और हमारे बाजू में इतने अच्छे अच्छे शॉप है, तो थोड़ा मैं उधर चले गई और बोलते नहीं क्या, तो फिर ये देखो और साइज भी परफेक्ट आयान का मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयान का साइज ढूंढना पड़ता है, और माशाल्लाह अभी कॉलेज के लिए तो आयान की पूरी शॉपिंग यहाँ से होने वाली है, एक नंबर। और टी शर्ट बता बेटा जरा टी शर्ट भी देखो साइज के सबसे बेटर, सबसे बड़ी बात ये हो गई है देखो, जितने भी बच्चे लोग जैसे कम हेल्दी सब साइज के, क्योंकि टी शर्ट कभी ट्रिपल XL मिलते नहीं है जल्दी, तो जिस किसी को भी इधर विजयनगर मरोल में मिलिट्री रोड जिधर भी जैसे कपड़े अच्छे अच्छे चाहिए। और देखो ना ये कल अरमान ने बिग बॉस में पहना था, अरमान मलिक ने पहना था, यहाँ से ही भेजना तुम लोग ने बिग बॉस में तो सेम ऐसा ही शर्ट है, और हम लोग ने आते थे शर्ट की वैरायटी देख सकते आप कितनी प्यारी प्यारी, बहुत जबरदस्त और एक नंबर। और ये और मैंने बीच में ये सब देखी ना, मैं बोले आयान को ले मेरे बेटे को, ये सब बहुत पसंद है, लोकर वाले से लेता है ना, हाँ तो लोकन वाले से लेके, तो मैंने उस दिन बाहर देखी ना, मैं चलो अपने को टेंशन ने बाजू में ही हो गया है करके आएंगे। क्या नाम है आपकी शॉप का? हिल्स ब्रो कलेक्शन। वापस एक बार हिल्स ब्रो कलेक्शन। हाँ तो विजिट करो एकदम मरियम शेख की बिल्डिंग के सामने, अगर इधर आके पूछे भी बच्चे लोग से भाई मरियम शेख कहाँ रहती, तो लोग बता भी देंगे करके, तो विजिट करो आप लोग को अच्छा लगेगा, और मुझे तो यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, और ये देखो परफ्यूम्स वॉचिस और सब आप देख सकते हो, जरूर विजिट करो सब चीज़। और अभी मैं बहुत जल्दी वापस भी आऊंगी, तो वापस इनका वीडियो बनेगा ही, देख लेना आप लोग। और हमारे यहाँ के यंग बच्चे ने सबने ऐसे शॉप खोले, अल्लाह पाक सबको बोलते ना कामयाबी दे परवरदिगार, बस इतना ही बोल सकती हूँ। चलो फिर ले अपना चलो। वो कहा है टी शर्ट